हिस्से हैं कम से कम, एक किसानों का जो मैंने वहाँ पे उनकी जो हालात देखी वो उसे देखने के बाद सर देखिए, जो आपने बताया जैसा कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, नंबर एक किसान, नंबर दो जो हाई कोर्ट का निर्देश है कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को लोगों तक जन जन तक पहुंचाएंगे, हमने क्या क्या कार्य किए और भीड़ को कम से कम इकट्ठा करेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाएंगे और वो हमारी बात को सुन पाएंगे, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे दो कारण। देखिए मैं जितना समझता हूँ मेरे ख्याल में कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय पर जितने भी ये भाजपाई और आरएसएस के लोग हैं इनमें से मेरे ख्याल से ना के बराबर ही कोई रहा हो तो रहा हो देश की आज़ादी में, वरना देश हित में तो ये कोई काम ही नहीं करते हैं। और रही बात ये कि उन्होंने कोई बयान हिंदुत्व के खिलाफ नहीं दिया, ना मुस्लिम के खिलाफ दिया, ना ईसाई के, ना सिख के, हमारे लिए सब बराबर, सब धर्म बराबर। नोएडा के ऊपर सर, नोएडा में इतनी मजबूती लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा, सभी लोग एक होकर के चुनाव लड़ेंगे, जिसको भी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा उसमें कोई खामी आपको नजर नहीं आएगी। और हमने जैसा बताया मेन चीज ये है कि जो विकास है उसको इतना तेज कर देंगे, विकास के आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे। आपके चुनावी मुद्दे क्या है, अगर नोएडा की आप बात कर रहे हैं तो नोएडा से जो भी कैंडिडेट उतरे, जो हमारे चुनावी मुद्दे हैं उनका तो राष्ट्रीय लेवल पे वो लोग डिक्लेयर करेंगे, लेकिन नोएडा का जहाँ तक सवाल है तो मेरा अपना ये मानना है कि जो यहाँ पे किसानों का है या RWA का है या हमारा जो गांव और शहर उसके स्कूल फीस है, बिजली के बिल है, अपराध व्यवस्था है, इन सब के ऊपर हम लोग काम करेंगे। आप ये मान करके चलिए कि सबसे पहले जो हमारी रोजाना की आवश्यकताएं हैं सबसे पहले हमको उनको पूरा करना है, जब उन आवश्यकताओं के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, जब जब हमारी सरकार आई है उन्होंने विकास करने का काम किया है, कोई जाति या धर्म या इस तरह का काम उन्होंने नहीं किया और ना आगे करेगी। विकास हमारा मूल मुद्दा है, युवाओं का हमारा जो नौकरियां हैं उनका मूल मुद्दा है, उनको काम देने का मूल मुद्दा है। हमने जैसा आपको बताया कि आप पीछे का जो इतिहास है आदरणीय अखिलेश यादव जी का आप उसको उठा करके देखिए, चाहे जहाँ तक BJP को छोड़ करके अन्य पार्टियों का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसानों ने अपनी कोई मांग रखी सरकार ने उनके सामने झुक करके उनकी मांगों को स्वीकार किया। इसी सरकार में सब अतिक्रमण, जो भी अतिक्रमण के नाम पर गांव की जमीन गिरा देगी, गेजा से लेकर सारे काम तो इससे पहले वाली सरकार में चल रही थी, जो मामले आते गए वैसे वैसे उनका निस्तारण बताना चाहता हूँ आपको। सुनो, सरकार ने एक मास्क के लिए तो आपने हटवाया, ये रखा मास्क काम नहीं है, आपने कहा कि मास्क हटाइए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने कहा अपनी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है जो भीड़ कम से कम इकट्ठी की जा सके। जैसा हाई कोर्ट का निर्देश हुआ है उस निर्देशन में ही इसका पालन किया गया है कि हम लोग कम से कम लोगों को इकट्ठा करें, कम से कम भीड़ को इकट्ठा करें। सर, जब नरेश उत्तम जी आए बहुत दिक्कत है। मैं देखिए उस समय जब आदरणीय उत्तम जी आए थे उस समय तो मेरा ये मानना, मैं खैर उस समय पार्टी में नहीं था साहब, जो मेरा अपना मानना है, और उसका मेन कारण ये था कि उस समय कोविड का असर उतना नहीं था, वो कुछ कम था। अध्यक्ष जी मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ नहीं केवल पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम तो कम से कम समाजवादी पार्टी से कर सकता हूँ। सर, हम कितनी उम्मीद माने यूपी में कितनी सीट आने की?